अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। हम भी सब खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने हाफ कप नीम गर्म पानी में 1 टीस्पून जो है यीस्ट डालनी है, 1/2 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, कोई भी रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके हमने ढक के 10 मिनट के लिए हमने रख देना है। और इसके बाद हम चिकन की तैयारी करते हैं जो पिज़्ज़े के ऊपर लगना है। 200 ग्राम चिकन लिया है और इसकी छोटे छोटे क्यूब्स में हमने इसको कट कर लेना है और इसकी मैरिनेशन करेंगे। अब मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले इसमें 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है और 1/2 टीस्पून और धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। साथ ही साथ 1/2 टीस्पून जो है साल्ट जाएगा इसमें और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स जाएंगे और 1 चुटकी जो है वो हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली सॉस, 1/4 टीस्पून सोया सॉस और 1/2 टीस्पून विनीगर जाएगा इसमें और 1/4 टीस्पून ओरिगेनो लीव्स और 2 टीस्पून जो है ऑलिव ऑयल के इसमें ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून जो है कलौंजी ऐड करेंगे। तो बस इनको अच्छे से मिक्स करके तो 10 मिनट के लिए इस मैरिनेशन को रख देंगे और इसमें 1 चुटकी जो है ऑरेंज फूड कलर भी यूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम ये देखें, यीस्ट जो है वो अच्छे से राइज हो चुकी है। अब इसको हम एक बाउल में डाल लेंगे और साथ ही इसमें 3 कप जो है वो मैदा ऐड करेंगे और मैदे को छान के ऐड करेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 1 अदद अंडा ऐड करेंगे और इसको थोड़ा स्पून की मदद से मिक्स करके तो हाथों की मदद से इसको जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरह इसको गूंद लेंगे। और अगर ज़रूरत महसूस हो और चिपक रहा हो तो थोड़ा सा ऑयल जो है वो हाथों पे लगा के तो इसको बस ऐसी अच्छी डो हमने बस अच्छे से बना लेनी है, क्योंकि डो अच्छी बनी होगी तो पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। तो बस इसको अच्छे से गूंद के इस तरह हमने हल्का सा ऑयल ऊपर लगा के हमने इसको रख देना है 15-20 मिनट के लिए, जब तक ये अपने साइज़ में डबल हो जाए। तो फिर हम इसके बाद हम चिकन रेडी करते हैं। तो जो मैरिनेशन करके रखा था इसको बस हमने एक पैन में डाल देना है और इसको थोड़ा पहले हमने भूनना है, कोई चीज़ नहीं ऐड करनी, बस जो मैरिनेशन की हुई है उसको पैन में डालना है और इसको तकरीबन 3-4 मिनट के लिए हम ऐसे ही भूनेंगे। और फिर इसमें बस 2 टीस्पून जो है वो हमने पानी के ऐड करने हैं, 2 या 3, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इसी में ये गल भी जाएगा और बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो चिकन भी रेडी हो गया था, तो अब हम पिज़्ज़े की तैयारी करते हैं। डो जो है वो अच्छे से राइज हो चुकी है, इसको 2 हिस्सों में कर लिया है क्योंकि 2 पिज़्ज़े बना रही हूँ। 3 कप्स मैदा जो लिया है उसमें 2 पिज़्ज़े इजीली बन जाते हैं, तो हम ओवन के बग़ैर बना रहे हैं। तो इसलिए आपके पास कोई भी पिज़्ज़ा ट्रे है कुछ भी है तो उसमें आप कर सकते हैं। मेरे पास ये एक पैन का है, ढक्कन है, लिड है, उसके ऊपर मैं बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। तो साथ ही हम पिज़्ज़ा सॉस की तैयारी करते हैं। इसमें केचप है वो हमने लिया है 4 टीस्पून और सोया सॉस है, चिली सॉस है इसको ऐड किया, ओरिगैनो है 1/2 टीस्पून, तो उसके बाद इसमें धनिया पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर जाएगा और गार्लिक पाउडर है 1 पिंच इसमें वो ऐड करेंगे और चिली फ्लेक्स जाएंगे इसमें 1/4 टीस्पून। तो ये बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा सॉस होती है और बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा सॉस है, तो आप घर में इसको आराम से रेडी कर सकते हैं। तो अब हम इसको फोर्क की मदद से इसमें जो है वो होल्स कर लेंगे इस तरह से, ताकि ये जो इसकी पिज़्ज़ा की जो ये रोटी है ये फूले ना। इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे और किनारों पे भी हल्का हल्का सा लगाएंगे, ज़्यादा नहीं,
हल्का हल्का सा लगाएंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बस अब हमने ये मोज़रेला चीज़ है मेरे पास ये ऊपर लगाई है, और साथ में अनियंस हैं और बेल पेपर्स हैं, ऑलिव, चिकन और टमाटो हैं। बस इन सब चीज़ों को ऊपर हमने ऐड कर देना है। जितनी भी आपको चीज़ें पसंद हैं आप ऊपर लगा सकते हैं, उनकी क्वांटिटी इनकी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, कम या ज़्यादा लगा सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने दो बनाए थे तो एक पे ऑलिव्स जो है वो ज़्यादा लगाए थे और एक पे ऑलिव्स कम थे। बच्चों के लिए, बच्चे ऑलिव्स इतने शौक से नहीं खाते, इसलिए उनके लिए ऑलिव्स जो हैं वो बहुत कम लगाए थे। तो सेकंड जो मैंने प्रिपेयर किया था उसके ऊपर ऑलिव्स ज़्यादा थे। तो बस ये सब चीज़ें इस तरह हमने ऐड कर देनी है। चिकन जो है वो भी रेडी हो गया था बहुत अच्छे से। आप यकीन करें इतने मज़े का और इतना इजी है, इतनी इजी रेसिपी है और इतने मज़े का बना था। आप ज़रूर इसको ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो इस दौरान अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आगे भी शेयर कर दिया करें। तो बस इसके ऊपर फिर हम चीज़ लगाएंगे, ऑलिव्स हैं ये ऐड करेंगे। और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। पिज़्ज़ा सॉस हल्की सी जो है वो उसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिया, और ओरिगैनो लीव्स हैं हल्के से डाल दिए हैं। इसकी स्मेल पिज़्ज़े पे बहुत अच्छी आती है, और चिली फ्लेक्स जो है वो एक चुटकी डाल दी थी, और ये बस कढ़ाई में एक स्टैंड रख के तो उस पर पिज़्ज़ा रखा। तो ये 25 मिनट में रेडी हो जाता है, बिल्कुल 20 मिनट पे चेक किया था तो वो अच्छे से भी रेडी नहीं था, 25 मिनट में हो जाता है, 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो बस ये रेडी हो गया था, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत डाले, और अल्लाह पाक अपने घर और अपने महबूब के रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए आपको ज़रूर बुलाए और बार बार बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।